हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी बीएड एडमिशन 2024 के बारे में कि जिनका बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में 100 से कम नंबर आया है तो क्या उनको काउंसलिंग करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, काउंसलिंग करवाते हो तो आप लोगों को कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसे बहुत सारे छात्र जो हैं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो उनके मन में डाउट रहता है कि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए काउंसलिंग ज़रूरी है कराना या नहीं ज़रूरी है। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। बीएड डीएलएड की पल पल की लेटेस्ट ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए अभी कभी एजुकेशन बिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी अपडेट आए काउंसलिंग एडमिशन से रिलेटेड वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आपका 400 में से 100 से कम नंबर आया है बीएड एंट्रेंस एग्जाम में तो क्या आपको जो है काउंसलिंग कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए? तो मेरा जवाब होगा हाँ। आप लोग जैसे काउंसलिंग करवाए लिए तो आप लोगों को कॉलेज अलॉट होगा या नहीं होगा? बिल्कुल आप लोगों को कॉलेज अलॉट होगा। प्राइवेट कॉलेज आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, जहाँ आप चाहोगे वहाँ आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि इस वर्ष भीड़ भी कम है, पिछली बार होता तो ना मिलता आपको, बट इस वर्ष आपको मिल जाएगा। अगर 100 से नीचे है, 50 से 100 के बीच में है, एग्ज़ाम देके आए हो, रिजल्ट आपका है, कितना भी नंबर हो आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है ना। डाउट क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जो ज़्यादा बच्चे होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 10,000 ही सीटें हैं टोटल गवर्नमेंट सीटें, बाकी तो प्राइवेट ही हैं, तो ज़्यादातर बच्चे प्राइवेट में ही भागेंगे, तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जो है काउंसलिंग कराना ज़रूरी होता है। इसका जवाब होगा यस, हाँ बिल्कुल ज़रूरी होता है। बिना आप जो है काउंसलिंग एडमिशन नहीं ले सकते हो। काउंसलिंग कराना है आपको, फ़ीस कटवानी होती है, उसके बाद कॉलेज सेलेक्ट करना होता है, कॉलेज मिलता है, उसके बाद आपको फिर ऑनलाइन फ़ीस कटवानी पड़ती है टोटल, ठीक है। 51,250 प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस है, तो इतनी आपको फ़ीस ऑनलाइन पे करना होता है। जो 5,750 काउंसलिंग की फ़ीस होती है, इसमें 5,000 कॉलेज की एडवांस फ़ीस भी होती है। जैसे अगर आपको कॉलेज नहीं मिला तो 5,000 वापस कर दी जाती फ़ीस आपके बैंक अकाउंट में, अगर कॉलेज मिल गया तो यही 5,000 आपकी फ़ीस में ऐड हो जाएगा। जो 51,250 टोटल फ़ीस आप लोगों से ली जा रही है तो उसमें से 46,250 कॉलेज मिलने के बाद आपको पे करना होगा, ठीक है ना। डाउट क्लियर हो गया होगा होप करता हूँ। तो जिनका 100 से नंबर कम है, 50, 60, 70, 80, 90, तो वो लोग काउंसलिंग ज़रूर करवाएंगे, और बिना काउंसलिंग के आप एडमिशन मत लेना। काउंसलिंग जो है कराना ज़रूरी है, ठीक है। बाकी अगर आप बीएड जो है कम पैसों में करना चाहते हो, कॉलेज नहीं जाना चाहते हो, केवल एग्ज़ाम देना चाहते हो, तो मैं आपको जो बता रहा हूँ ये मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज है। यहाँ पे दोनों साल की जो आपको फ़ीस देनी होगी 46,750 रुपये, ठीक है। इसके सिवा कोई भी पैसा आप लोगों से नहीं लिया जाएगा। पहली किस्त आपको 5,750 ये सीट बुकिंग के टाइम यानी कि काउंसलिंग फ़ीस आपको देनी होगी। उसके बाद यहाँ पे दूसरी किस्त 10,000 कॉलेज मिल जाने के बाद आपको देना होगा। उसके बाद तीसरी किस्त यहाँ पे 13,000 फर्स्ट ईयर एग्जाम के टाइम देना होगा। चौथी किस्त आपको 18,000 सेकेंड ईयर का जब एग्जाम होगा उस टाइम आपको देना होगा। सिर्फ आपको परीक्षा देने मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट जाना होगा। परीक्षा के दौरान रहने की व्यवस्था जो है वहाँ पे फ्री दी जाएगी, आपके साथ जो भी गार्जियंस जाएंगे उनको भी रहने की व्यवस्था दी जाएगी। एग्रीमेंट सर्टिफिकेट आपको दी जाएगी, आपको बिलीव हो जाए कि आप लोगों से एक्स्ट्रा पैसा नहीं लिया जाएगा, ठीक है। 46,750 से ज़्यादा तो कोई भी फीस आपको कैश नहीं देना है, ऑनलाइन नहीं देना है, और उसकी रसीद आपको प्राप्त करना है। कैसे रसीद प्राप्त करना है ये भी आपको बताऊंगा। सारे कॉलेज एनसीटी से जो है प्रमाणित हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से जो है इनका संबंध है कॉलेज से। यूपी के जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए जो है छात्रवृत्ति की व्यवस्था है, और उत्तर प्रदेश के जो SC ST कैंडिडेट हैं वो अपना एडमिशन स्कॉलरशिप बेस पर भी ले सकते हैं। यहाँ पर जो एग्ज़ाम्स होंगे अर्ली बेस होंगे, बिना रजिस्ट्रेशन फॉर्म के जो है बीएड में एडमिशन संभव नहीं है, नहीं मान के चलिए आप लोग। देखिए, इनका जो ऑफिस है एक्सेल एजुकेयर कैंपस अलोपी बाग चुंगी प्रयागराज में इनका ऑफिस है इस नाम से। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप अधिक जानकारी के लिए जानकारी ले सकते हो, अपनी सीट बुक कर सकते हो, क्योंकि हर कॉलेज में लिमिटेड सीटें होती हैं। बहुत सारी सीटें यहाँ पर बुक हो गई हैं, तो आकर आपको भी कम पैसों में बीएड करना है तो अपनी सीट बुक कर सकते हो ये नंबर पर। ऑफिस जाइए, आप बात करिए, अपना बीएड एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट लेके जाइए, अपना जो है सीट बुक कर सकते हो। यहाँ पर भी आपका जो एडमिशन होगा वो काउंसलिंग थ्री ही होगा, ठीक है। बाकी ये ऑफिस का टाइमिंग है 9 AM से 8 PM तक। अधिक जानकारी के लिए नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी आप लोग बताइए आपका नंबर कितना है, मैं आपको बताऊंगा आपको प्राइवेट मिलेगा या नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। बीएड एंट्रेंस एग्जाम की पल पल की लेटेस्ट ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि जो भी काउंसलिंग की अपडेट है वो अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।